ठीक है, स्टार्टेड। कल अपन ने बात कर ली थी टाइप्स ऑफ टीथ की, और टीथ के टाइप्स में हमने चार नाम पढ़ लिए। क्या कौन कौन से? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसिजर को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करा जाता है, कैनाइन को कैपिटल सी से, प्रीमोलर को पी एम से भी और पी एम से भी, जैसा आपको ठीक लगे। एंड मोलर को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करा जाता है। और डेंटल फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था, मिल्क टीथ पढ़ लिया था, परमानेंट टीथ पढ़ लिया था, उनका नंबर हमने बता दिया था, कैसे वो अरेंज होता है वो भी आपने देख लिया। ठीक है, अब इनके फंक्शंस के बारे में आज बात करनी है। जैसे इंसिजर है, इंसिजर का फंक्शन लिखा है बाइटिंग द फूड, कटिंग एंड बाइटिंग, दो वर्ड आपने सुना होगा। अच्छा चलो मैं आपको एक कंडीशन याद दिलाता हूं, कभी सबके साथ हुआ है ये कभी ना कभी, वो आपको रोटी के ऊपर घी लगा के मम्मी ने रोल बना के दे दिया, या फिर आप स्प्रिंग रोल तो खाया ही होगा। कैसे खाते हो? पहले वो रोल आगे जाता है मुंह के, फिर इंसिजर से आप उसको कट करते हो ऐसे, फिर वो जाता है पीछे, वहां चबाते हो। क्या बिना काटे वो पीछे से डायरेक्ट जा सकता है? तो जो भी कुछ काटने जैसा कुछ काम होता है, किसी को दांत काटना हो फिर वो पीछे वाले दांत से काटोगे? किससे काटते हैं? आगे वाले दांत से काटते हैं। तो इंसिजर का काम होता है कटिंग एंड बाइटिंग। बात समझ आ गई? दूसरा टीथ है कैनाइन, उसके सामने देखो फंक्शन क्या लिखा हुआ है, टीयरिंग एंड वियरिंग ऑफ फूड। अब तो वो गन्ने का जूस पीते हो, या फिर किसी ने गन्ना वो अपने मुंह से छील के चबा चबा के उसका रस निकाला है, तो वो जो ऊपर से छिलका हटाते हैं वो कौन से दांत से हटाते हैं? मेन जो मेजर रोल होता है कैनाइन का होता है, साइड में गन्ना करके ऐसे खींचते हैं, तो कैनाइन से उसको हम पहले पतला सा उसको हम अपने वो फील करके अलग करते हैं, फिर खींचते हैं वो अलग हो जाता है। तो कैनाइन का काम होता है कोई भी फूड मटेरियल है उसको टीयर करना है, या फिर आप चीरना फाड़ना समझ रहे होगे। ठीक है, अब उसके बाद है प्रीमोलर एंड मोलर, इन दोनों का काम सेम है। क्या है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, जो भी फूड आइटम आपके मुंह में जा रहा है सॉलिड है तो उसको क्रश करना पड़ेगा, ग्राइंड करना पड़ेगा, वो काम आपका किसका किसका है? प्रीमोलर एंड मोलर का। अब जरा यहां पे आप याद कर लो कल की बात, 2123 अपॉन 2123, ये किसका था? इन ये किसका था? परमानेंट का था। 2102 मिल्क टीथ का था। इस टीथ में, मिल्क टीथ में कौन सा टीथ नहीं है? प्रीमोलर नहीं। कौन सा नहीं है? प्रीमोलर नहीं है, और लास्ट मोलर भी नहीं है। कौन नहीं है? अरे मोलर का नंबर कितना? अगर आप इधर हाफ जॉ पे बनाओगे, हाफ जॉ पे बनाओगे तो दो इंसिजर, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर, तीन मोलर, ऐसा ही है। अब जरा मैं इसका बनाऊं तो यहीं पे साइड में देखो आपका जबड़ा है, इधर इंसिजर तो दो है, ये हाफ के रिप्रेजेंटेशन है, कैनाइन एक है, प्रीमोलर है ही नहीं, और लास्ट में सिर्फ दो मोलर है, लास्ट का मोलर भी नहीं है, है नहीं होता। ठीक है, इस जो लास्ट का मोलर है इसको बोला जाता है विजडम टीथ। क्या बोलते हैं इसको? विजडम। और दोनों का फंक्शन सेम है, ग्राइंडिंग एंड मस्टिकेशन। भाई उसके पास मोलर है तो काम तो चल ही रहा है, काम तो चल ही रहा है, थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, क्या बात है, हो जाएगा काम, है ना। तो बच्चे ज्यादा खाते हैं वो, बट वो ज्यादा मस्टिकेट नहीं कर पाते क्योंकि दांत कम होते हैं। अब देखो उसके बाद एक सवाल है, हाउ कैन द डेंटल कैरीज बी प्रिवेंटेड, और मुझे नहीं लगता है बताने की जरूरत है, और बताने की अगर जरूरत पड़ी तो फिर तुम पर्सनल हाइजीन के बारे में कभी कुछ पढ़े ही नहीं। पहला रीजन क्या है? अवॉइड सुगर रिच इटेबल्स, ऐसा कुछ जो भी खा रहे हो जिसमें बहुत सारा सुगर है उसको अवॉइड करना चाहिए, कम खाना, जैसे
सबसे गंदा काम करता आपका वो टॉफी एंड चॉकलेट्स, आइसक्रीम, ये सारे आपके दांत के लिए ना जहर हैं, आपके लिए अच्छे हैं, अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन दांत के लिए नुकसान है। बात समझ आ रही है? अभी समझ आ रही है? अभी शाम को जाके ठूसोगे, समझ आ रही है, फिर भी खाओगे। उसके बाद है रेगुलर ब्रशिंग ऑफ टीथ आफ्टर मील। अब आप ईमानदारी से बताओ, सुबह उठने के बाद कौन मील करके उठता और ब्रश करना पड़ता है? आपकी आदत यह है कि सुबह उठ के ब्रश करना है, क्या उठते जब आप उठे हो तो जस्ट मील करके उठे हो? मील 8-10 घंटे पहले करा होगा। उसके बाद देखो, अब मेरी वाली बात सुनो, जो जिस पे तुम लोग मेरे से कई बार डिसएग्री कर जाते हो, विगरस चीविंग ऑफ फाइबरस फूड। जो फाइबरस फूड होते हैं जिसमें फाइबर्स बहुत होते हैं, फाइबर्स के लिए जैसे आपके सबसे बेस्ट सोर्सेज हैं फाइबर के, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और आपका मीट है, फ्लेशेज हैं, दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर्स। इनको क्या करना चाहिए? विगरस चीविंग, चबाना, चीविंग का मतलब समझ रहे होगे? चीविंग चबाना, विगरस का मतलब होता है खूब चबाओ, और खूब चबाओगे वो फाइन। उसके बाद है कंजम्पशन ऑफ वाटर कंटेनिंग 1 ppm ऑफ फ्लोराइड। कम से कम आपके पानी में इतना फ्लोराइड होना चाहिए, 1 ppm, 1 parts per million, ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे, अभी नहीं आपको पता चलेगा। तो एक ये आपका यूनिट है कि वाटर में कम से कम इतना क्या होना चाहिए, फ्लोराइड होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुआ तब भी दांत के लिए गलत है, वो दांत पीले पड़ जाते हैं, पानी आता नहीं कहीं कहीं फ्लोराइड वाला पानी आता है तो ज्यादा वहां पे आता है, उसके वहां के पानी में वाटर टेबल में फ्लोराइड ज्यादा होता है तो दांत पीले पड़ने लगता है। इंसिजर का शेप देखो, कैनाइन का और प्री मोलर एंड मोलर का शेप, ठीक है। और उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, जो बात करनी है फेरिंग्स की, जो अपन ने बात कुछ समझ ली है, फिर से हम इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। बक्कल कैविटी ओपन होता है एक शॉर्ट नैरो चैम्बर में, जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स या फिर गला। तो समझते हो गला खराब हो गया है, क्या खराब हो गया है? गला, फेरिंग्स, जो आपके जुखाम के टाइम, सर्दी के टाइम पे वो गले में दिक्कत प्रॉब्लम होती है ना, खराश आ रही है, म्यूकस बहुत बन रहा है, कफ बहुत बन रहा है, तो वो आपका क्या हो गया है, फेरिंग्स वाले रीजन का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो फेरिंग्स इज इनकम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू 3 parts, इनकम्प्लीटली, कोई कंप्लीट डिमार्केशन नहीं है कि ये वाला फेरिंग्स का हिस्सा ओरोफेरिंग्स है, ये वाला नेजोफेरिंग्स है। एक रीजन है, ये माना जाता है कि उधर जो ओपनिंग्स है उसके बेसिस पर नाम दे दिया जाता है। पहला है नेजोफेरिंग्स, है ना, दूसरा है जहां आपका किसका, सॉफ्ट पैलेट के बाद, फिर ओरोफेरिंग्स बिलो द सॉफ्ट पैलेट, एंड लास्ट वन इज द लैरिंग्स। अब जरा इसको यहां देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन ये देखते हैं। ये जो आपका ये नेजल एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल यहां होगा, फिर ये नेजल पैसेज होगा, नेजल चैम्बर यहां होगा, वो आके यहां खुलेगा, ये इधर खुल भी रहा है, इधर दिख भी रहा है, ये नेजल इंटरनल नेरीज आके यहां खुलेंगे, ठीक है। तो ये आपका माउथ हो गया, ये टंग हो गई, इसके बाद ये ओरल कैविटी यहां आके खुलेगी फेरिंग्स में। उसके बाद आपकी ये जो फेरिंग्स है 2 tubes में डिवाइड हो जाता है, दोनों ट्यूब्स दिख रही है, ये थोड़ी सी आगे गायब हो गई है क्योंकि ये पढ़ना ही नहीं है अभी, है ना, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो ये दो जो ट्यूब्स हैं, ये आपकी एक वोइसोफेगस है जो ये कहां जा रही है, स्टमक में, ये वाली जो है आपकी ट्रैकिया है ये लंग्स में जाती है, किधर जाती है, लंग्स में जाती है। तो अब इन फेरिंग्स, इस पूरे यहां से वाले इतने हिस्से को हम फेरिंग्स नाम दे देते हैं, यहां तक और ये पूरा हिस्सा जो है, ये नैरो एक जो रेंज चैम्बर है, दैट इज अ फेरिंग्स। यहां पे नेजल चैम्बर आके ओपन होता है तो नेजोफेरिंग्स, इधर आपका बक्कल कैविटी ओपन होता है तो ओरोफेरिंग्स, इधर लैरिंग्स होता है तो ये लैरिंजोफेरिंग्स। 3 reasons है बस, है कॉमन पैसेज फूड एंड किसका, एयर का।
अब उसके बाद देखो आगे क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वैसे आपके जरूरत से ज्यादा ही लिखा हुआ है आप, बट समझ लोगे तो अच्छी बात है ना। हाँ, इनटू विच बोथ दीज पार्ट्स कम्युनिकेट राउंड टू द राउंड द फ्रीली हैंगिंग क्या यूवेला, और ये जो बाद में पीछे आपने वो वेलम पैलेटी का नाम दूसरा है यूवेला, वो फ्रीली लास्ट में जाके हैंग करता है नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स के बीच में, ऊपर नेजोफेरिंग्स है उसके उस हैंगिंग स्ट्रक्चर के नीचे वाला हिस्सा ओरोफेरिंग्स है। अरे बता तो दिया था कल ही भैया, इंटरनल नेरिंग्स को बंद करता है ड्यूरिंग स्वलोइंग। आगे द ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स आर एसोसिएटेड विद स्वलोइंग, जो आपका लैरिंजोफेरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स में आपका क्या होगा ओरल कैविटी में खाना जाएगा, जब स्वेलो करोगे वो कहां जाएगा फेरिंग्स में, वो किधर जाएगा पहले ओरोफेरिंग्स में फिर नीचे लैरिंजोफेरिंग्स में, लैरिंजोफेरिंग्स से फिर जाएगा कहां पे ओइसोफेगस में स्टमक, फिर कौन बोला कहां जाएगा ओइसोफेगस। आगे देखो ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स एसोसिएटेड विद स्वेलोइंग, द लैरिंजोफेरिंग्स कम्युनिकेट विद ओइसोफेगस थ्रू, आगे वर्ड देखना क्या गलत। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से समझना, इसी डायग्राम पे ही देख लो, बनाने की जरूरत नहीं। ये देखो फेरिंग्स की दो ओपनिंग है, एक ओपनिंग ये दिख रही है आपको, यहां पे ध्यान से देखो एक ओपनिंग ये है और एक ओपनिंग ये है, ठीक है। इस ट्यूब की ओपनिंग को बोला जाता है गलेट, क्या बोलते हैं किस ट्यूब की ओपनिंग को, ओइसोफेगस की ओपनिंग को क्या बोलेंगे गलेट। एंड ये क्या है ट्रैकिया, इसको क्या बोला था ट्रैकिया, ट्रैकिया की ओपनिंग को बोला जाता है ग्लॉटिस, क्या बोलते हैं GLOTTIS ग्लॉटिस। अभी टर्म मिलेंगे आगे, नाम मैं बताऊंगा क्या है, बट अभी याद रखो इसको क्या बोलते हैं, क्या क्या मैंने बताया गलेट एंड ग्लॉटिस, दो वर्ड आपको याद हो गए। गलेट की किसकी ओपनिंग है एंड ग्लॉटिस किसकी ओपनिंग है, किसकी ओपनिंग है बॉडी का, ये सरफेस कहा जाता है वेंट्रल सरफेस, आगे वाला सरफेस क्या कहा जाता है और पीछे वाले सरफेस को बोलते हैं डॉर्सल, बगल वाला लैटरल। समझ आ गया होगा, इतना नहीं समझ आया, आगे पीछे तो समझ आ रहा है, आगे वाला सरफेस पीछे वाला सरफेस तो समझ आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा, इतना तो आ रहा है। अब जो इसकी लोकेशन है आपका, जो ये बाहर से दिख रहा है ना गला, 3D में है कि फ्लैट है, 3D है। इस 3D में आगे वाले सरफेस की तरफ होता है ट्रैकिया, मान लो ये ट्रैकिया इधर है तो ओइसोफेगस इसके पीछे किधर है। अब मैं ऐसे ही स्ट्रक्चर को यहां पे लगाऊं तो ऐसे आगे कौन है ट्रैकिया है, पीछे कौन है वेंट्रल सरफेस पे होता है ट्रैकिया, डॉर्सल सरफेस की तरफ होता है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस ये क्या है, ओइसोफेगस की ओपनिंग को हमने क्या बोला था अभी, ये क्या बोला अपन ने ट्रैकिया, मतलब माउथ आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या बोला था ग्लॉटिस, क्या बोलते हैं ग्लॉटिस। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं, ग्लॉटिस इज कवर्ड बाई अ फ्लैप लाइक कवरिंग, फ्लैप क्या होता है ऐसे पंजे जैसा एक कार्टिलेज का, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेज ये है जो फ्लेक्सिबल होता है, इससे कवर्ड होता है उसकी ओपनिंग, किसकी ओपनिंग ट्रैकिया की। ग्लॉटिस इज कवर्ड बाई अ फ्लैप लाइक कवरिंग एंड दैट इज टर्म्ड एज एपीग्लॉटिस, क्या बोलते हैं इसको एपीग्लॉटिस, एंड एपीग्लॉटिस closes the glottis during swallowing of food,
क्या बोला मैंने, बोलो सभी, एपिग्लॉटिस कवर्स द ग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड। जब आप खाना स्वेलो कर रहे हो, इधर आपका भगवान भला करे, इधर से फूड आपने स्वेलो करा, स्वेलो करने के बाद वो फूड किधर जाना है, ओसोफेगस की तरफ जाना है। अगर ये जो एपिग्लॉटिस है इसने नहीं कवर किया, किसको नहीं कवर किया, ग्लॉटिस को, किसको नहीं कवर किया, ग्लॉटिस को, तो खाना जाने का प्रोबेबिलिटी इधर बन जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। इस प्रोबेबिलिटी को खत्म करने के लिए ये जो एपिग्लॉटिस है इट कवर्स द ग्लॉटिस प्रॉपरली। अब आपके फूड को पैसेज तो सिर्फ एक ही मिलेगा, दो मिलेंगे, एक ही मिलेगा, कौन सा पैसेज, ये गलेट वाला ओपनिंग, ओसोफेगस वाला ट्रैक, तो खाना का मजबूरी है कि इधर से आना पड़ेगा। अरे ट्रैक ही एक ही बचा तो जाएगा किधर भाई, यही ऑप्शन है। इसलिए आपका खाना लंग्स में नहीं जाता, किधर जाता है, पेट में जाता है। किसी का सवाल, ओसोफेगस के की ओपनिंग के ऊपर ऐसा कोई कवरिंग नहीं है, गलेट के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। जब आप स्वेलो कर रहे होगे तो आप एयर इनहेल नहीं कर सकते, जब आप इनहेल कर रहे होगे तो आप कोई चीज स्वेलो नहीं कर सकते। बात क्लियर हो गई, जब आप स्वेलो कर रहे होगे तो ये बंद हो जाएगा, कौन बंद हो जाएगा, ग्लोटिस बंद हो जाएगा, तो एयर कहां जाएगा, एयर जाने का रास्ता ही नहीं है, लंग्स में एयर नहीं जा पाएगा। जब आप स्वेलो नहीं कर रहे होगे तो ये एपिग्लॉटिस इसकी ओपनिंग को खोल के रखेगा, तो एयर आपका किधर जाएगा, लंग्स में जाएगा, ये चल रहा है। हाँ, आपके दिमाग में ये होगा कि भाई एयर फिर तो स्टमक में भी जाता होगा, यही चल रहा होगा, वेट एंड वॉच, वो भी क्लियर हो जाएगा। ओसोफेगस की ओपनिंग को क्या बोला, गलेट एंड विद लैरिंग्स थ्रू ग्लॉटिस। ट्रैकिया का जो सबसे इनिशियल पार्ट होता है वो मॉडिफाई हो जाता है लैरिंग्स में, है ना, और लैरिंग्स की ओपनिंग या फिर ट्रैकिया की ओपनिंग को हम क्या बोल देते हैं, ग्लॉटिस। एंड देन उसके बाद लिखा है द ग्लॉटिस इज गार्डेड बाई, द ग्लॉटिस इज गार्डेड बाई इलास्टिक एंड मस्कुलर फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस विच क्लोजेज ग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वेलोइंग टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग इन टू विंड पाइप। दस फेरिंग सर्व्स टू वेज, फेरिंग्स दो तरीके से काम करता है, एज अ पैसेज ऑफ किसके बीच, नोज एंड विंड पाइप के बीच, एयर का पैसेज का काम कर रहा है, एंड फूड पैसेज बिटवीन माउथ एंड ओसोफेगस। इसलिए तो हमने फेरिंग्स के लिए एक वर्ड लिखा था, इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, बात साबित हो गई। और क्या बोला था मैंने, यही तो बोला था। हाँ, उसके बाद है जो आपका रेजोनेंस ऑफ वॉइस ऑल्सो अकर्स ड्यू टू द फेरिंग्स, तो ये आपको यहां पे चेंज करना है, दैट इज अ लैरिंग्स। इसको क्या बोलोगे, लैरिंग्स, जो आपकी आवाज निकल रही है ये किसकी वजह से, लैरिंग्स की वजह से। लैरिंग्स की बात हो चुकी है, अब मतलब हमारा यहां तक हो चुका है। मैं बार बार इस पिक्चर पे आऊंगा और बार बार आपको ऐसे दुखी करूंगा, सॉरी मतलब समझाऊंगा, दुखी तो क्या ही करूंगा, है ना। अभी तक हम लोग यहां तक बात समझ गए, अब चलते हैं इधर, ओसोफेगस, किधर चलें, ओसोफेगस। पिक्चर में दिख गया ओसोफेगस, बोलो भाई, पिक्चर में जब दिख गया तो बात समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखो कोई भी, अगर हम बायोलॉजी की बात कर ले ना, तो जब तक आपके दिमाग में पिक्चर नहीं बनेगा तब तक ये याद नहीं रहेगा, गारंटी लिखवा लो। वर्ड क्या लिखा हुआ है, इट कंडक्ट्स द फूड बाई, एक चीज, उसके बाद वर्ड आगे क्या लिखा है, अरे ओसोफेगस इज अ कोलैप्सिबल मस्कुलर ट्यूब। अब जब काम की बात आती है ना तो वो लिखने लगता है, क्या वर्ड लिखा है, ओसोफेगस इज अ कोलैप्सिबल मस्कुलर ट्यूब जिसका लंबाई कितना है, 25 टू 30 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 25 टू 30 मिलीमीटर,
mm है, डायमीटर और लेंथ इतना इसका है। लीडिंग फ्रॉम फेरिंग्स टू द कहां पे स्टमक, इट रन्स डाउन द नेक बिहाइंड द ट्रैकिया, कहां से ये रन करता है, नेक से नीचे की तरफ, गर्दन से, गर्दन आपका यहां खत्म हो जाता है, उसके नीचे रन करता है और किसके पीछे, ट्रैकिया के पीछे है, डोर्सल सरफेस पे, एंड थ्रू थोरैक्स, इस आपके इस के रिब केज को जो ये आपका ये पूरा चैम्बर बनता है, इधर लंग्स है, उसको थोरैक्स रीजन बोला जाता है, एंड फाइनली फाइनली पियर्सिंग द डायफ्राम टू ओपन इनटू स्टमक। अब दो वर्ड आपको मुझे समझाना है, बाकी आप ये लास्ट वाला लाइन पढ़ो ना पढ़ो कोई बात नहीं है। एक वर्ड है कोलेप्सिबल, ये ऐसी मस्कुलर ट्यूब है जिसकी वॉल कोलेप्स कर जाती है, क्या कर जाती है, चिपक जाती है। जब वॉल चिपक गई किसी ट्यूब की, उसमें हवा कैसे जाएगा, खत्म, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है, हमारी जो बॉडी है इंटरनली इट इज डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर्स, इंटरनली ये कितने चैम्बर में डिवाइडेड है, दो चैम्बर में डिवाइडेड है, एक मसल्स की मदद से, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है और पूरी बॉडी कैविटी को दो कैविटी में डिवाइड करता है और इस मस्कुलर स्ट्रक्चर को बोला जाता है डायाफ्राम, क्या बोलते हैं इसको, डायाफ्राम। इधर से आपका ओइसोफेगस रन करता हुआ आता है, इस डायाफ्राम को पियर्स करता है, पियर्स का मतलब समझते हो, एक पेज देना खराब, ओइसोफेगस इस डायाफ्राम को पियर्स करते हुए इस कैविटी का नाम याद करो, इस कैविटी का नाम क्या है, डायाफ्राम के ऊपर वाली कैविटी का नाम थोरैसिक कैविटी, नीचे वाली का नाम एब्डोमिनल कैविटी, बीच में क्या है जो अलग करता है इन दोनों को, डायाफ्राम। जो ओइसोफेगस है इस डायाफ्राम को पियर्स करता है और फिर आ जाता है एब्डोमिनल कैविटी में, और ये एब्डोमिनल कैविटी में ओपन होता है किसके पास, किसके में, स्टमक में, किसमें ओपन होता है, स्टमक में, किसमें ओपन होता है, स्टमक में, और ये जिस पॉइंट पर ये पियर्स करता है दैट पॉइंट इज टर्म्ड एज, एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, इधर सुनो, यहां देखो फूड पाइप के साथ एक वर्ड लिखा हुआ है, इट कंडक्ट्स द फूड बाय पेरिस्टाइलेसिस, वर्ड आपके सामने एक नया सा आया, क्या पेरिस्टाइलेसिस, पेरिस्टाइलेसिस क्या होता है, हाँ जी, हाँ, जो आपका ये एलिमेंट्री कैनाल है इसकी वॉल ना एक वेव की तरह मूव करती है, हाँ, मतलब ऐसे समझ लो कि मैं ये अपना मान लेता हूं कि फूड पाइप है, तो ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जैसे आपका फूड आया तो फूड के ऊपरी वाले हिस्से से कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो फूड नीचे की तरफ जाएगा, तो फिर नीचे वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट, तो फूड और नीचे, ऐसे ये वेव की तरह कॉन्ट्रैक्ट करती है और नीचे की तरफ मूव करती है, दैट इज टर्म्ड एज पेरिस्टाइलेसिस थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कहां से, पूरे जितना एलिमेंट फूड कुछ पार्ट तक, देखो एक तो बकल कैविटी जो आपकी है, ओरल कैविटी एंड सम पार्ट ऑफ द, सम पार्ट क्या बोलेंगे, तो पूरा फेरिंग्स एंड सम पार्ट ऑफ द ओइसोफेगस तक आपको फूड को फोर्सफुली स्वेलो करना पड़ता है अपनी डिजायर के हिसाब से, जैसे आप ऐसे करते हो ना, वो ये आप मसल्स की मदद से वॉलेंट्रियली, ये आपकी वॉलेंट्री एक्टिविटी है, इनवॉलेंट्री नहीं है, हाँ, सेल्फ कंट्रोल्ड एक्टिविटी है, फिर इसको स्वेलो करते हो, जैसे ही उस पार्ट में पहुंच जाता है, वो पार्ट कौन सा है, यहां देखना, द अपर वन थर्ड पार्ट ऑफ इज कंपोज ऑफ वॉलेंट्री मसल, ओइसोफेगस का ऊपरी वन थर्ड हिस्सा वॉलेंट्री मसल से बना हुआ है एंड लोअर टू थर्ड पार्ट इज क्या है, ये इनवॉलेंट्री वर्ड है, यहां पे भी वॉलेंट्री लिख दिया है, ये इनवॉलेंट्री मसल से बना हुआ है एंड द मसल मस्कुलर कोट हैज पेरिस्टाइलेटिक एक्शन, ये निचला हिस्सा इनका जो होता है यहां से पेरिस्टाइलेसिस स्टार्ट होता है, कहां से,
पेरिस्टाइलिसिस ओइसोफेगस के निचले हिस्से से स्टार्ट होता है। फूड को आपको आपके माउथ से लेकर बक्कल कैविटी से लेकर यहां तक आपको खुद वॉलेंट्रली पहुंचाना होगा, और इसके बाद फूड इनवॉलेंट्रली बिना किसी आपके कंट्रोल के फूड आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा ड्यू टू पेरिस्टाइलिसिस। बात समझ आ गई? बोलो। अब जब यही मूवमेंट उल्टा हो जाए, अभी मैंने बोला कि ऊपर वाला हिस्सा पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, तो इसलिए फूड हमारा नीचे की तरफ जाता है। यही मूवमेंट उल्टा हो जाए, पहले नीचे कॉन्ट्रैक्ट करे फिर ये, तो जो अंदर वाला फूड है ना वो पेरिस्टाइलिसिस, क्या बोलते हैं इसको, एंटी पेरिस्टाइलिसिस, एंड दैट इज द रीजन फॉर द वोमिटिंग। बात अब समझ आ गई होगी। आगे चलो, ओइसोफेगस के बाद आपका नेक्स्ट जो एक बैग जैसा स्ट्रक्चर आता है जिसका नाम है स्टमक। स्टमक तो सबको पता है, अरे पेरिस्टाइलिसिस का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। अभी मैंने क्या बोला, पहले अपवर्डली ये कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर नीचे की तरफ मूव करता है, इसलिए खाना हमारा नीचे जाता है। जब नीचे से कॉन्ट्रैक्ट हो ऊपर की तरफ आए तो खाना कहां आएगा, बाहर आएगा। एंड दैट टर्म एज, ये एक मस्कुलर जे शेप्ड का बैग है, जे शेप का पाउच है, और इधर आपके एलिमेंट्री कैनाल का मैक्सिमम डायमीटर होता है। कैसा, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी है। अब मैं इधर खड़ा हो गया तो मेरा लेफ्ट हैंड कहां है, यही है, यही है, तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड समझ आ रहा है। तो आपके इस एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर वाले हिस्से में, अपर पार्ट, ये डायफ्राम के बिल्कुल पास वाले हिस्से में, लेफ्ट साइड में स्टमक लगा होता है। बात समझ आई? अरे आई तो हां बोलो, नहीं आई तो ना बोलो। अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन बीनी द डायफ्राम लेइंग टू द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन इज सिकल शेप्ड। जे को अगर आप ऐसे कर बनाते हैं, कैपिटल जे जो ऐसा होता है, तो अगर इसी को हम ऐसे पलट दें तो सिकल जैसा नहीं हो जाता ऐसे, तो इसको चाहे स्टमक का शेप बोलो, कैपिटल जे, या फिर सिकल शेप, बात सेम है। इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, मैक्सिमम डायमीटर के साथ है, एंड साइज एंड शेप विच वेरीज अकॉर्डिंग टू द, अकॉर्डिंग टू, आगे वर्ड देखो, एंड लास्ट वन इज द पाइलोरस। तो तीन हिस्सों में डिवाइड करा जाता है स्टमक को। आगे देखो, जो पाइलोरिक पार्ट है इज द लोअर एंड ऑफ द स्टमक एंड नैरोज डाउन लाइक अ फनल एंड कर्व्स राइट, लाइक राइट हैंडेड ये कर्व होता है, लाइक जे, जे की तरफ वो कर्वेचर बनता है, एंड लीडिंग इनटू ड्यूडेनम। इसके बाद ये वाला हिस्सा कहा जाता है, ड्यूडेनम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ड्यूडेनम, एंड ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड आगे अब देखो, जो अब बात बोलने जा रहे हैं, जो ध्यान से दो चार लोग हैं ना वही सुन रहे हैं, और सारे तो बस ऐसे बैठे। द एग्जिट इज गार्डेड बाय पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लोगे तो बात बन जाएगी, नहीं तो पहले से बात बनी हुई है, कोई बात नहीं, सही है, जितना बनी हुई है उतना ही। इधर इसको पाइलोरी, जो पाइलोरस पार्ट है, इधर एक इंस्फिंक्टर लगा होता है जिसको बोलते हैं पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। और ऐसे ही ओइसोफेगस का एंड एंड फंडस का स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो हैज अ इंस्फिंक्टर, जिसे हम बोलते हैं ओइसोफेजियल